हेलो गाइज, दोस्तों बोले तो अंतिम मूवी, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अंतिम मूवी जो कि सलमान खान का पता चल गया दोस्तों कि सलमान खान उसमें क्या दिखेंगे, उनका करेक्टर क्या रहेगा। दोस्तों आपको पता ही, आयुष शर्मा जो कि आपको दिखेंगे मराठी गैंगस्टर के रोल में, और सलमान खान, जी हाँ दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, सलमान खान दिखेंगे उसमें सिख पुलिस ऑफिसर के रूप में, और एक गैंगस्टर और पुलिस ऑफर में बोले तो पुलिस ऑफिसर और गैंगस्टर में भिड़त होएगा दोस्तों। स्क्रीन पे सलमान खान का रोल आ गया दोस्तों सामने। बोले तो यार एक्साइटमेंट थी कि सलमान खान का इसमें कैरेक्टर क्या होएगा, तो फाइनली जाके पता चल गया कि सिख बोले तो सरदार जी के रोल में दिखेंगे, और सलमान खान सरदार जी के रोल में हीरोज़ जो मूवी आई थी उसमें दिखे थे पगड़ी वगैरह बांध के, उसके बाद वो कैरेक्टर उनको नहीं मिला, मगर उसमें क्या दिख रहे थे यार, बोले तो एकदम हैंडसम चार्म लुक। तो इस बार सलमान खान अंतिम मूवी में सरदार के लुक में दिखेंगे, वो भी पुलिस ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों मज़ा आ जाएगा दोस्तों स्क्रीन पर। अभी तक ये रिवील नहीं हुई है कि इसकी हीरोइन कौन होएगा। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं महेश मांजरेकर, बोले तो एक मराठी मूवी का बोले तो जाने माने डायरेक्टर। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर सलमान खान की एंट्री कोई सी मूवी में हो जाती है, वो मूवी की चार चांद लग जाती है, वो मूवी सुपर हिट 100 करोड़ ऑलरेडी कमा लेती है। तो सलमान खान का कैरेक्टर है इसमें, और ये मूवी सलमान खान की 100 करोड़ बोले तो सिर्फ सलमान खान के नाम से ही 100 करोड़ हो जाएगा, और आयुष शर्मा की करियर का बेस्ट मूवी मानी जाएगी। आयुष शर्मा डेब्यू किए थे मूवी लव यात्री से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा धमाका नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने ये सेकंड मूवी साइन की है, और देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मूवी में उनका करेक्टर कैसा होता है गैंगस्टर का, और कैसा वो रोल प्ले करते हैं। तो बस भाई इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वो बेल आइकन जरूर दबाना। ओके बाय।